दोस्तों, आज इस जगह से निकलते हुए एक ख्याल आया और देखा कि ये सब जो फैला हुआ है ये कुछ सुंदर नज़ारा तो नहीं है, ये किसी और ने नहीं, ये सब हमने बनाया है। ये देखते हुए इतना लगा और सोचने लगा कि क्या हम 2050 को देख पाएंगे या नहीं, क्या हम जी भी सकते हैं 2050 साल तक। अगर देखेंगे तो दूर दूर तक ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये पानी नहीं है, ये गंदा नाला है। और उसके आसपास जो आप देख रहे हैं कॉलोनी, ये पूरी की पूरी कॉलोनी है और यहाँ पर लोग बसते हैं और इतना जनजीवन सब का सब, ये देखिए आपके सामने पूरा अस्त व्यस्त है। ये किसी और ने नहीं किया, ये सब हमारी देन है। और ये देखिए दिन रात यहाँ पर ये पूरा हमारे कचरे को उठाने के लिए, साफ़ करने के लिए यहाँ पर मशीन चलती हैं। ये लोग बेचारे दिन रात लगे हुए यहाँ पर हमारे लिए सब परिश्रम करते हैं कि हमारे कचरे को ये उठा करके कहीं 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 तो ठिकाना लगा सकें। ये दूर दूर तक फैला हुआ देखो नाला, और ये कहाँ जाकर किसको क्या करेगा ये आप खुद समझ सकते हो। और हमने किस किस जगह पे कैसी कैसी चीज़ों के लिए हम किन किन लोगों को दोष देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे खाए हुए चिप्स, हमारे खाए हुए चीज़ें, ये सब घूम करके हमें ही मिलने वाली है दोस्तों। ये जो एम्बुलेंस की आवाज़ें सुन रहे हैं ना दोस्तों, ये सब हमारे लिए खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो है, आपको क्या लगता है कि ऐसे जीवन जी करके क्या हम साल 2050 तक ज़िंदगी को जी पाएंगे, क्या हम अगली जनरेशन देख पाएंगे क्या? ये सच है और ये बिल्कुल लाइव है। ये पानी आप देख रहे हो, ये पानी नहीं, ये हमारा ही कचरा है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए क्या कोई बता सकता है? क्या है किसी के पास इसका हल? जो ये सब खा करके फेंकते हैं, जो ये सब लोग इकट्ठा कर करके, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ ले करके जाएं, ये सब हमारी धरती क्या इसी चीज़ के लिए बनी थी? ये देखो ये और किसी का जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो रहा दोस्तों, ये सिर्फ हमारे द्वारा हमारा ही जीवन खराब हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। सरकार कुछ भी हो, कोई भी हो, ये सारे हमारे अस्त व्यस्त हम ही होंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, ये सच है और ये आपके आसपास भी ये सब नज़ारा देखने को मिलता होगा। सवाल यही है कि क्या 2050 तक हम देख पाएंगे, जी पाएंगे? धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर बताना, आपको क्या लगता है जरूर बताना। कैसे इस समस्या से निकल सकते हैं? क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी, क्यों इतनी ज़्यादा सर्दी? ये सब कुछ हमारे हमारे द्वारा किया हुआ है दोस्तों। ये देख लो, ये है सच्चाई।